हाँ मैंने लेना पूरा इसके तो यार गोश्त सारा इधर ही डाल देना उसको खाली गोश्त चावल देना नहीं गोश्त पूरा उधर चला गया यार इधर क्या डालोगे भाई। अच्छा देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का जो अकासी थी ना मक्का की वो तकरीबन की हुई है यहाँ पर और काबा शरीफ इस तरह इसके ऊपर कपड़े अलग अलग लटकाए होते थे और ये जमजम का कुआं और इधर मकाम इब्राहिम थे कैसे थे घरों के बीच में से इधर उधर लोगों के घर होते थे बीच में से सफा मरवा होता रहता था। ये भाई ये वाली नई इनोवेशन इन्होंने की है भाई साहब के छतरी इस तरह की लगाएं जब आप हज पे जाएं ना देखें इसने अहराम बांधा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू मैं हूं अब्दुल मलिक फरीद और आज के व्लॉग में हम लोग जा रहे हैं जद्दा। जद्दा में जाके हम लोगों ने गाड़ी देखनी है और ख़ास तौर पे हैदराबादी बिरयानी ट्राई करनी है और उसके एंड में हम लोगों ने जाके देखना है हज एक्सपो जहाँ पर हज के मुतालिक काफ़ी चीज़ें हैं एक्सपो हो रहा है तो वो सब कुछ आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शुरू करते हैं भाई। वैसे ये खूबसूरत जगह सारी जो है ना आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेगी यहाँ से सिर्फ इंट्रो शूट कर रहा हूँ। अब ये गाड़ी बस थोड़े दिनों की मेहमान रह चुकी हुई है क्योंकि इस गाड़ी से जो है ना दिल भर गया लेकिन इसको मैंने मिस बहुत करना है यार। जब से गाड़ी बनवाई ये आवाज़ सुने ये आवाज़ देखते हैं ये कहाँ से आ रही है। ये हमेशा ऐसे जो पार्ट्स होते हैं ना गाड़ी के वही आवाज़ करते हैं। पकड़ा गया ये इसमें लग रहा है देखा इधर हाथ रखा तो बंद छोड़ा तो शुरू लो ये इसने ना इधर से वो काम सही नहीं हुआ इसको इधर से सेट करवाना है। आइए सर। वालेकुम सलाम। लगता है आप तो नींद से उठ के आ रहे हैं। नहीं बॉस मैं ऑफिस से आ रहा हूँ ये ऑफिस होता है मेरा। गार्ड भूख लगी है सही टाइम पे आते हैं यार। अच्छा मैंने मुझे लगता है आज भी मैंने आपको वही सही टाइम पे मना किया है ना आप खाने वाले थे कुछ। हाँ मेरा प्रोग्राम ऐसे ही था ना मेरे रोटी होगी दांतों में लो बेवफाई की हुई है बस थोड़ा सा बस लुकमा लिए। अच्छा गोश्त खाएंगे गोश्त का वैसे इंतजाम नहीं हुआ अभी ना करें भाई गाड़ी लूंगा तो ट्रेड दूंगा ना गोश्त वाली आज किसी और चीज से काम चलाते हैं। क्या हुआ आपने गोश्त का मूड बनाया हुआ था और क्या मैं तैयारी इसीलिए की थी नहीं तो सब्जी मेरे पास पकी हुई थी। सब्जी आप खा लें थोड़ी सी चक्के करें गाड़ी मैंने थोड़ा सा सुना था गाड़ी लूंगा तो आपने समझा क्या इसको बनवाऊंगा तो दूंगा सुबह वाह 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 एक तो खर्चा करो इस पे ऊपर से फिर ले यार भाई ने सोचा इसको बनवाऊंगा तो पार्टी दूंगा। आप लोग कैसे सर्दियों में तंग हो रहे होते हैं कोयला जलाना पड़ता है हीटर लगाना पड़ता है फिर तीन तीन चार चार सूट आप लोगों को पहनने पड़ते हैं। हमें देखें एक तो गर्मी वाले कपड़े पहने हुए हैं ऊपर से गाड़ी धूप में खड़ी है तो गर्म है हीटर भी नहीं है। ब्रो आजकल हज एक्सपो चल रहा है पता है ना कर उधर ही जा रहे हैं आज ना कर खाना कब खाएंगे खाना खा के हजम करने सही भाई को नहीं बताया था मैंने कि उधर जाएंगे। वालेकुम सलाम आइए भाई क्या है ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका भाई मेरा जमील अहमद। जमील अहमद ट्रेन का जिद्दा मक्का के डालते हो ना मैं देखता हूँ आपका। अच्छा 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 बहुत शुक्रिया यार इंडिया वाले वाकई बहुत मोहब्बत देते हैं बताए सब मोहब्बत देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी भी इंडियन। अभी भाई साहब हम लोग इंडियन रेस्टोरेंट पे आ गए बिरयानी के लिए बिरयानी खाने एक बिरयानी खरीदो हाँ अभी फिलहाल एक फिर दूसरी गरम गरम आएगी समझा कर। अच्छा अच्छा और फिर खास तौर पे थोड़ा हो उस पे लड़ के खाओ उसका अपना मजा है ना। चिकन है मटन है बिरयानी आपके पास यार ये क्या किस्मत है ना। सुभान अल्लाह वालेकुम सलाम बहुत शुक्रिया। किधर से आप हैदराबाद बिरयानी हैदराबादी बनी आई है ना हैदराबादी बिरयानी। वाह यार हैदराबादी बिरयानी हम लोग दो तीन दिन से सोच रहे थे कि हैदराबादी बिरयानी खाएं ढूंढ रहे थैंक यू। बस ये क्या चीज़ है ये भाई बताएंगे अचार है ये नहीं ये मसालों मसालों मतलब मिर्ची का। अच्छा ये मसाले अलग से देते हैं साथ में जी इसके अचार ही स्मेल आ रही है बड़ी चेक करेंगे तो पता चलेगा ये भी हैदराबाद में ऐसे सर्व करते हैं जी। वाह यार बस ये पी के दिखाया हम दिल कर रहा था लेकिन सोच रहा हूँ बिरयानी के साथ सर्व करके देंगे भाई बहुत अच्छा लेकिन ये तो दो प्लेट है। ये भाई साहब हमारा पुलाव आ गया यार गोश्त सारा इधर ही डाल देना उसको खाली गोश्त चावल देना नहीं नहीं गोश्त इधर डाल अल्लाह आपको खुश रखे बहुत अच्छा ऐसा करेंगे इसको उल्टा कर भाई सबर वो गोश्त पूरा उधर चला गया यार इधर क्या डालोगे भाई। चलो अब गोश्त एक्स्ट्रा लेके आना ठीक एक्स्ट्रा अलग से देते हैं हाँ चलें ये क्या करेगा हमारा भाई हम आधा आधा बकरा खाने वाले हैं। चलो गोश्त तो होगा नहीं बिरयानी खत्म हो ये आखिरी था
गोश्त नहीं है वो? नहीं वो इधर से जंग हो जाएगी, अभी लड़ाई हो जाएगी नहीं, लेकिन हम लोग लड़ते हैं बहुत है। चलो वो कोरमा है, मटन कोरमा है, गोश्त है, मटन में कुछ नहीं है, बस ये तो काम बिल्कुल खराब हो गया। आप मुझे दोनों दे दे, आप मटन चिकन खाए, वो कह रहे चिकन है। हम डील करते हैं, आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है खाने में? गोश्त। गोश्त आज उसकी कुर्बानी दे। यार भूख के साथ कोई अल्फाज नहीं आ रहे समझ में। मुर्गी मंगा लेते हैं भाई, अभी डिसाइड किया ये आखिरी बिरयानी थी, अब कुछ और मंगवा रहे हैं ताकि साथ साथ कुछ और भी है। मेरे ख्याल से हैदराबाद में लोग हाथ से खाते हैं। ये हैदराबाद में लोग हाथ से खाते हैं? जी जी हाथ से खाते, हाथ से ही खाते हैं। चले हम भी बहुत हाथ से, अरब्स के साथ तो खाया हाथ से बहुत ज्यादा, लेकिन आज हैदराबादियों के साथ खाते हैं हाथ से। बिस्मिल्लाह, वो भी स्पेशल होगा हैदराबादियों का हाथ से खाने का। वही इस तरह ही बना के खाते होंगे ना, ऐसा ही है ना? हाँ, गोश्त तो लाजमी है, छुपा हुआ है, ये भाई से छुपा के रखा है मैंने। बहुत जबरदस्त खुशबूदार है ना, क्या जायका एकदम इसका जो आया हुआ है ना, मसालों का, मसालों के साथ बस, मतलब एक तो अक्सर बिरयानी खाते हैं ना उससे महसूस हो रहा होता है कि ये डब्बे वाला बीच में जायका आ रहा है, लेकिन इसका वो डब्बे वाला नहीं है। ये चीज जो ये ले आए हैं ना, पहली बार मुझे बिरयानी के साथ मिली है, और साथ में मिर्ची भी है, तो इसको फिलहाल आने दें इधर। और ये रायता भी ले आए हैं, आप मुझे नहीं पता इस तरह खाते हैं या नहीं, लेकिन मैं इसको सारा मिक्सचर कर रहा हूँ और ट्राई मारता हूँ क्या बनता है। देखो थोड़ा सा बोटी, ये देखा है कैसे मसाले नजर आ रहे हैं, जबरदस्त। अरे मैंने सोचा अपने लिए ले रहे हैं, चलो कोई मसला नहीं, ये और एक्स्ट्रा काम हो गया। बॉस इसका मतलब जो कह रहे थे हैदराबादी बिरयानी अच्छी है, वाकई ठीक है, सच कह रहे हैं यार। ये भाई चिकन 65 आ गई हमारी। यस, आप चिकन पूरी ले लें, गोश्त मुझे ले लें। इसको हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना, हाथ 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 क्या कर रहे हैं? इस मामले में कोई मजाक नहीं, मैं सीरियस हो जाता होता हूँ इस मामले में। चिकन 65 भी इस पे डाल के ना, मैंने सोचा इसको भी ट्राई मार लो, क्योंकि हमने अपना इनोवेशन तो दिखानी होती है। जबरदस्त है ना, दम है इसमें, दम है, वरना अक्सर हम लोगों ने चिकन 65 वो सऊदियों वाली देखी है, हम लेते हैं। इसमें ये जो कड़ी पत्ता वगैरह डाले हैं ना, खुशबू बहुत अच्छी है यार। बस अगर इधर हैदराबाद का टेस्ट ऐसा है तो हैदराबाद में इसका क्या टेस्ट है। ओए होए होए होए, क्या बात कर दी आपने भाई। पाकिस्तानी को इंडिया का वीजा किसी तरीके से मिल सकता है? अगर मिल सकता है तो बताना है यार, कैसे मिलेगा, मैंने आना है इंडिया जल्दी। हाँ, अगर यहाँ से सऊदी से ही मिल जाए यार, वहाँ पे जाके हैदराबाद की बिरयानी और दिल्ली में जामे मस्जिद के पास जो खाने की जगह है वो सारी मैंने चेक करनी है। Few moments later. क्या ख्याल है, ये वाली लेक्सिस ले लूं मैं? ये लेक्सिस आज ट्राई करनी है। बैठो अंदर। والبواب اللي ورا برضه تفتح بيدك مو اوتوماتيك ها؟ لا لا كلها بس هيك يا چیز ہے یہ ماؤس ہے دیکھیں سامنے اوئے اوئے باقی گاڑی کے اندر ماؤس کیا بات ہے बस कैसी लगी है? खत्म है मरी हुई। अच्छा एक्सपायर है बिल्कुल। चलो ये ले अपना मोबाइल। पैसे अब कोई और देखनी पड़ेगी, ये समझ में नहीं है। असल में ये मेरा पहली बार है नहीं गाड़ियां लेना, क्योंकि मैं पहले भी लेता बेचता था थोड़ा बहुत। क्या मोबाइल पड़े? मेरे मोबाइल पड़े हैं। तो अच्छा भाई गाड़ी ऑन ही छोड़ के चले गए, एसी भी चल रहा है, मजे नहीं। चले भाई साहब गाड़ी तो देख ली लेक्सस, लेकिन समझ में नहीं आई गाड़ी, कोई और देखेंगे अब आगे आने वाले दिनों में। और अभी जा रहे हैं हम लोग जिद्दा सुपर डोम, वहाँ पर है हज एक्सपो। मासूब कॉफी ब्लैक वाली, ओए होए मासूब विद कॉफी, आ हा हा। लेकिन उनको मासूब का पता नहीं होगा, मासूब कुछ ऐसा होता है जिसमें पराठे होते हैं, मीठा होता है और केला होता है और क्रीम होती है, और फिर आगे आप बताओ। अरीका खाया था ना आप लोगों ने वीडियो के थ्रू। ये मासूब उसका भाई है छोटा। फतूर फारिस से मासूब और सत्तार बख्श से कॉपी। हम अपने अमल के हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते। वाह वाह वाह, विजय आप शेर शायरी भी करते हैं? नहीं, भाई साहब अभी मासूब बनाने के लिए उन्होंने बोला है 7 मिनट, और इधर काफी बनाने के लिए बोले हैं 2 मिनट, इसका मतलब है 5 मिनट हम लोग यहाँ पर वेस्ट मार सकते हैं। 7 और 2 9,
रेस्ट 5 मिनट के लिए तो मार सकते हैं। भाई साहब कॉफ़ी आ गई हमारी, अंकल सत्तार बख्श से ले आया और अभी फारिस अंकल से लेना है हमने मासूक। पता नहीं अभी तक तैयार हुआ है या नहीं, मुझे लगता है यार बस ये छोड़ा नहीं क्या? आज क्या हुआ भाई, छोटी थोड़ी थोड़ी चीज़ें क्यों मिल रही है हमें? बस सही है ना यार, काफ़ी होगा, काफ़ी है, बहुत है। ऐसा ना गोश्त की तरह इसमें भी लड़ाई हो जाए। नहीं नहीं कॉफ़ी है ना साथ में, काफ़ी हो जाएगा, कॉफ़ी है काफ़ी हो जाएगा। हाँ देखो शायद ऐसे खोलने का दरवाजे को। बस ये बाइक आपको लेके दूँ मैं, प्लीज ले लें अभी, उठा लो, इजाज़त है मेरी तरफ से उठा लें। आप चाहते हैं आप मासूम अकेला खाए ना? इस तरह तो सारी दावतें भी अकेले ही खाऊंगा आगे। ये कांटा छुरी हर चीज पूरा सेट ही दी है बस। आने लेना पूरा इसके तो वो है नहीं हिसाब किताब के, इसमें कंजूसी करो। बिल्कुल बिल्कुल कोई कंजूसी नहीं। क्या महसूस कर रहे हैं फरीद भाई? सेटिस्फेक्शन। उंगली यूज करनी पड़ेगी आपको? नहीं चम्मच है, मुंह में पानी आ गया ब्रो। शहद यार भी बड़ी अलग चीज है, अब इसको आप मिक्स करेंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा मैं सोच रहा था मैं खींच लो। नहीं नहीं मिक्स करें बस। टुक टुक है ये, टुक ये ले भाई साहब, बिस्मिल्लाह। मिर्च चम्मच आपने छुपा दो नहीं? गरम गरम मिर्च चम्मच की तरह छुपा लिए? नहीं आपके वो पड़ी है, गरम गरम नरम नरम मीठा मीठा। वो साहब दो चमचे खा गए, आप मजीद देखते रहे और भी जाएंगे। बिस्मिल्लाह। कड़वी कॉफी पिए साथ में, पिए ना कॉफी, बेस्ट कॉम्बिनेशन। नहीं है बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन। अजरबैजान में भी वो लोग ऐसे ही करते हैं कि साथ में मीठा कुछ ना कुछ मुरब्बा वगैरह खाते हैं, चाय में कभी शुगर नहीं डालते ना करें। ऐसे गाड़ी में बैठ के खाने का एक अपना ही मजा है कि नहीं? हाँ खाने के साथ साथ गपशप लगाने का। ये जनाब आला जद्दा डोम है इसका नाम, बल्कि जद्दा सुपर डोम इसको कहते हैं, और इसमें अक्सर एग्जीबिशंस वगैरह और एक्सपोज वगैरह इस तरह की चीजें होती रहती हैं। देखें भाई साहब ये बहुत बड़ा डोम बना हुआ है, यहाँ पर अंदर चलते हैं और हज एक्सपो का देखते हैं का कहाँ लेके आए हैं, क्या क्या नजर आ रहा है। ये है भाई साहब डोम की एंट्रेंस, देखें बगैर किसी पिलर के इतनी बड़ी बिल्डिंग माशाल्लाह, इसीलिए इसका नाम है डोम। और ये हज वाली बस खड़ी है शुरू में, ये मोटे पाइप भाई एसी के हैं, ऐसा मुझे फजल भाई ने बताया। ये देखें भाई हज के ऊपर ये इस तरह की चेयर्स भी शायद रखेंगे जिसपे रिलैक्स करेंगे आप सुकून से, और फ्री में होंगे आई थिंक। यार बहुत सुंदर कुछ खास है मसाज चेयर, क्या पहाड़ नजर आ रहे हैं। देखें तवाफ कैसे चल रहा है पुराने जमाने का, उसको उसकी अक्कासी की गई होता पुराने जमाने का ना, कि लोग ऊँटों पे भी करते थे तवाफ, और पुराना काबे का नक्शा देखें, लोग ऊँटों पे भी तवाफ करते थे, और ये काबे का पुराना नक्शा जबरदस्त बना के रखा हुआ है। ये अंदर भी एक आदमी ऊँट पे चल रहा है, आपको पता है ना ऊँट पे होता था तवाफ पहले? अच्छा नहीं नहीं होना नहीं पता, लेकिन फिर भाई एक और चीज नजर आ रही है जिसका मुझे बिल्कुल नहीं पता था कभी, क्या वो देखें जो ये हतीम उसके ऊपर उन्होंने शेड लगाया, पहले इसका मतलब यहाँ पे शेड होता था। हाँ और आपको आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। ओके इधर है ये जमजम का कुआं, कैसा जबरदस्त। हाँ ये मक्का के वो दूसरी तरफ वाले घर। अच्छा देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का जो अक्कासी थी ना मक्का की, वो तकरीबन की हुई है यहाँ पर, और काबा शरीफ इस तरह इसके ऊपर कपड़े अलग अलग लटकाए होते थे, और ये जमजम का कुआं, ये इधर तवाफ ये चल रहा है, लोग ऊँटों के साथ भी तवाफ करते थे, देखें उधर ऊँट जा रहा है, और इधर मकाम इब्राहिम, और ये देखें इधर सफा का पहाड़। हाँ यहाँ सफा से चलते चलते बीच में से वो मरवा के पास पहुँच जाते थे, लेकिन जाते कैसे थे, घरों के बीच में से, इधर उधर लोगों के घर होते थे, बीच में से सफा मरवा होता रहता था। ऊँट भी नजर आ रहे हैं आजकल तो व्हील चेयर पे करते हैं, पहले ऊँटों पे भी कर लेते थे, तो ये सीन। ये सिर्फ जिस तरह बुक्स में लिखा हुआ है उस तरह की अक्कासी की हुई है यहाँ पर मक्का की, सुभान अल्लाह। पुराना वक्त एक तरह का जैसे सामने, ये देखें मशायर मुकद्दसा का जो है ना यहाँ पर एक रेप्लिका बनाया हुआ है मिसाल के तौर पे, जैसे यहाँ पे है ये मनहर लिखा हुआ है जिधर ज़िबा करते थे, फिर साथ में जबल सबीर है, और साथ में मीना का लिखा हुआ है, देखें इधर ये जमरात है इधर, और ये मीना के खेमे वगैरह इधर लगा के रखे हुए हैं, ये मशायर अल हराम के इधर निशानदेही है, और उधर आराफात है, इधर मस्जिदुल हराम भाई। वो एक ना हज की जर्नी यहाँ पर शो करने की कोशिश की हुई, पूरा 100% नहीं लेकिन जर्नी शो करने की कोशिश की। ये भाई इधर मदीना से मक्का का रास्ता शो किया हुआ है, एक ऐसे ही जो जो वादियाँ रास्ते में आती हैं वो सारी दिखाई हुई हैं, जैसे मस्जिद नबवी,
مدينة المناورة ذو الحليفة وادي عقيق روحة حي الجمل أبواء یہ دیکھیں ادھر ابوا ہے یہ ریورس آ رہا ہے اونٹ پھر سیدھا جائے گا ہاں دیکھیں ادھر یہ ادھر کعبہ شریف اچھا ادھر دوسری چیزیں بھی شو کی ہوئی ہیں مثال کے طور پہ جو جو میقات لگتی ہیں نا دیکھیں یہ لم لم کی میقات وہ قرن المنازل وہاں تر ایک اور ہے اور ادھر جحفہ ہے تو اس طرح میقات بھی ساری شو کی ہوئی ہیں یہ دیکھیں بھائی صاحب یہ کنگ عبدالعزیز نے جس کے اوپر حج کیا تھا یہ وہ والی گاڑی ہے جو کہ سعودی عربیہ کے بانی تھے سمجھ لیں یہ دیکھیں پیرس اورو ادھر پرانی سب تصویر ان کی ادھر تصویریں لگی ہوئی ہیں اور ادھر کعبہ شریف کے غلاف کے ٹکڑے یہ دیکھیں بہت ہی اصلی ہیں ہاں ہاں اوریجنل ہیں یہ بس یہاں پہ تو وہ ریپلیکا نہیں لگائیں گے یہ ذرا مکہ کی پرانی تصویر دیکھیں اور ادھر بھی اور یہ کعبہ شریف کے ان سائڈ یا آؤٹ سائڈ ہے ان سائڈ کہنا کہ تو ان کی صورت الکعبہ داخلی ہے ان سائڈ کعبہ اور یہ اوریجنل ہے سب اوریجنل ہے اور ادھر قرآن پاک کے کچھ پرانے نسخے اور ادھر مکہ کے پرانے لوگوں کی تصویریں یہ ٹھنڈا پانی رکھنے کا آئے تھے یہ خود کھلتا ہے خود بند ہوتا ابھی دیکھنا کھلے گا لو کھل گیا پانی ہے ہی نہیں اندر خالی ہے یہ روبوٹ کو پکڑتے ہیں بھائی اس سے پانی لیتے ہیں رک جا رک جا ایکسکیوز می او 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 یہ نہیں اسے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا اس نے ٹھان لی ہے کہ میں نے سفر کمپلیٹ کرنا ہے میں نے کچھ غلط کہا مجھے دیکھ آپ کو ٹھوکے گا ابھی مارے گا مجھے وہ آپ کے پیچھے پیچھے ہے رک جائیں رک جائیں ادھر ہی رک جائیں دیکھیں ابھی آپ کے پیچھے آئے گا نہیں گیا اس نے کہا اس نے مزاق بنایا ہوا ویسے پانی ٹھنڈا ہے زمزم ہے نہیں زمزم نہیں یہ بھائی یہ والی نئی انویشن انہوں نے کی ہے بھائی صاحب کہ چھتری اس طرح کی لگائیں جب آپ حج پہ جائیں نا دیکھیں اس نے احرام باندھا ہوا ہے یہ چھتری ٹرائی کر کے دیکھتے یار ادھر سے ایسے نا گھما کے اس طریقے سے لے کے آتے ہیں اکارڈنگ ٹو یور سائز اور ادھر آپ اپنی مرضی کا کچھ بھی ڈال سکتے ہیں اپنا کوئی بھی پیپرز کھانا پینا کوئی بھی چیز اور آرام سے یہ حج کے لیے بڑی یہ زبردست چیز ہے کہ حج کے اوپر آپ لے کے جائیں نا کہ حج پہ اکثر دھوپ ہوتی ہے کبھی کچھ ہوتا ہے تو یہ صحیح پروٹیکشن ہے اگر کسی نے لینا ہے تو یہ ان کا کانٹیکٹ نمبرز ہیں یہ بھائی صاحب ایک ایپ ہے جس کا نام ہے رشت اور اس کے ذریعے آپ لوگ عمرہ اینڈ حج اس کا ایک ٹور لے سکتے ہیں اس کے ذریعے اس طرح سے ہوگا تقریباً اردو میں بھی ہاں اب دیکھیں یہاں سے نا آپ اپنی ڈائریکشن سلیکٹ کر سکتے ہیں اور ادھر سے چلیں گے دیکھیں وہ اسپیڈ میں چل کے جا رہے ہیں مطلب آپ اس ایپ کے ذریعے ایک نا دیکھ سکتے ہیں کہ عمرہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے یہاں سے اسپیڈ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں اردو میں بھی ہے یہ اردو انگلش عربک فرانسی اور فرینچ میں بھی ہے جب یہ ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو یہاں پر آپ کو دیکھیں وی حج یعنی کہ ورچوئل حج دیکھنے کا یہاں سے موقع ملے گا آپ دیکھ سکتے ہیں سکون سے بیٹھ کے یعنی ورچوئل حج آپ آن لائن پورا حج دیکھ سکتے ہیں نا ہاں ورچوئلی آپ دیکھ سکتے ہیں پورا حج کیسے ہوتا ہے عمرہ کیسے ہوتا ہے یعنی ایک قسم کی ہیلپ ہو جائے گی حج کرنے سے پہلے حج آپ سیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے کیا ایگزیکٹلی بھائی ان معاملات میں ٹیکنالوجی کو صحیح استعمال کیا ہوا ہے انہوں نے ہاں آپ حج پہ آنے سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ہوتا ہے عمرے پہ آنے سے پہلے یہ بڑی زبردست چیز ہے یہ دیکھیں مکہ کے اسٹائل میں زمزم پلا رہے ہیں السلام علیکم الحمد للہ کیف حالکم طیبین ماشاء اللہ تبارک اللہ شکران یہ دیکھیں بھائی یہ یہاں پر بانٹ رہے تھے گفٹ زمزم کی چار چار بوتلیں جو بندہ مرضی لے آ کے لے جائے تو میں نے لے لی اور ابھی ہم لوگ ایگزٹ کا سوچ رہے ہیں قہوہ پینے پہ ہے موڈ یہ بھائی صاحب حج کے کیپسولز جن میں آدمی سوتا ہے نیچے دیکھیں بستر لگا ہوا ہے ہو سکتا ہے ون آف دی سولوشن یہ بھی ہو جائے حج کے اوپر کہ اس طرح کے کیپسولز کے اندر آپ آ کے نا سوئیں مینا کے دن اس میں گزاریں ہیں برو لیکن سولوشن تو بہت اچھا ہے نا ہاں سیف بھی ہے اور ایکسس بھی کارڈ کے ساتھ ہے واہ یار اچھا 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 سولوشن کافی زبردست ہے اس کی کمپنی تو دیکھیں کون سی ہے وسان ہاں وسن سب بہترین کیا کر رہے ہیں اس کو سینے کی کوشش کر رہا ہوں
नहीं, असल में इसको ना इस तरफ से सी के ना ऐसे रख के फिर नीचे नीचे निकालना होता है यार। हाँ फरीद भाई आप तो जानते हैं। नहीं ये आपने एक मतलब पहले भी किया हुआ है ना। जो खराब होगा ना उसको ये खत्म कर देंगे इसको। वो अगर कोई सही नहीं सिला होता ना तो उसको खत्म करके खोल के फिर दोबारा सीते। ये देखें भाई साहब, पुराने जमाने में इस तरीके से ना ऊपर बिठा के उम्रा करवाते थे, उसके बाद फिर इस तरह की आ गई, फिर काफ़ी अरसा ये वाली चली और आजकल ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसके ऊपर आप उम्रा कर सकते हैं जो भी लोगों को ज़रूरत होती है। डोम से निकलते हैं, इधर बाहर बहुत सारे फूड ट्रक्स हैं। और आपका मूड है कोई फूड ट्रक से कुछ ले कर खाने का? बोल लें ट्रिपल फूल। हाँ चलें आ जाएँ, मासूब ने काम फुल कर। मासूब ना खाया था ना शायद इसे ले लेते। चलें जी, जद्दा से होके एक्सपो से होके आ गए वापस घर में और इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दें, नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद मेरी वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर क्लिक कर दें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।